हेलो एवरीवन, बेटा हम चैप्टर नंबर 1 जो सबसे पहला एक्ट है हमारा मर्केंटाइल लॉ में, उस पर डिस्कशन कर रहे थे, जो कि कौन सा था बेटा? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लास्ट लेक्चर में मैंने सारी बातें रिवाइज करा दी थी। इवन मैं लास्ट लेक्चर में आपके साथ क्या डिस्कस कर रहा था, लास्ट लेक्चर में हमारा डिस्कशन चल रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग बेसिस पे बन सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी हो गया था, जिसमें हमने क्या देखा था कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है वॉइड, इलीगल, अनइन्फोर्सेबल और वॉइडेबल, और उसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी, और एक और हमने समझा था ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, जिसमें मैंने बताया था या तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस होगा या कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड होगा। अब बेटा इंस्टीट्यूट की बुक में एक और कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है जो मैंने डिस्कस नहीं करा था, ई कॉन्ट्रैक्ट, है ना? तो बेटा प्लीज़ इसे भी लिख लेना, एक कॉन्ट्रैक्ट ई कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। नाम से आपको वैसे क्लियर आ जाएगा, समझ आ जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉन्ट्रैक्ट। बेटा जो आज के दिन ऑनलाइन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आज के दिन जितने भी ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो सारे किस में आ जाते हैं? ई कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। तो बेटा ये कल हमने डिस्कस नहीं करा था कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में एक्सप्रेस मैंने समझा दिया था, इम्प्लाइड हमने समझ लिया था, इम्प्लाइड में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि टैसिट का मीनिंग क्या होता है, क्वासी का मीनिंग क्या होता है, सब बता दिया था। ई कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस नहीं करा था। तो बेटा जब आज के दिन माउस के थ्रू, मेल के थ्रू जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो ई कॉन्ट्रैक्ट है। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू बिटवीन टू और मोर पार्टी यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सच एज ईमेल्स इज नोन एज ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। जब आप इंटरनेट का यूज़ करके ऑनलाइन कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, दैट इज ई कॉन्ट्रैक्ट। ये भी हो गया था हमारा एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटरी में यूनिलेटरल एंड बायलेटरल, ये सब हो गया था। इसके बाद जो अब नेक्स्ट कंसेप्ट दे रखा है वही मुझे डिस्कस करना है, और वो कंसेप्ट कौन सा दे रखा है बेटा? वो कंसेप्ट यहाँ पे हमें दे रखा है डिफाइन ऑफर। मतलब वैसे मैंने ऑफर का जो मीनिंग है वो पहले 2-3 लेक्चर्स में बता दिया। ऑफर को मैं क्यों डिफाइन करा रहा हूँ? क्योंकि अभी ऑफर का मीनिंग समझा, लेकिन ऑफर कितने टाइप्स का होता है, ऑफर के क्या रूल्स हैं, ऑफर कैसे लैप्स होता है, ऑफर के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, वो सारा आज मुझे डिस्कशन करना है। कौन ऑफर करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, सारी बातें आज होंगी। पहले ऑफर किसे कहते हैं, तो पहले डिस्कस कर लिया था ना, एज पर सेक्शन 2 क्लोज ए, जब एक पर्सन सिग्निफाइज कर रहे दूसरे को या तो कुछ करना या कुछ ना करना, और हम क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम इसलिए कम्युनिकेट कर रहे हैं जिससे कि मुझे सामने वाले की असेंट मिल जाए कि या तो वो काम करेगा या वो काम नहीं करेगा। बेटा काम करना तो बहुत आसान है कि हम फॉर एग्जांपल मैं ऑफर कर रहा हूँ कि भाई मुझे अपनी कार बेचनी है, मुझे अपनी बाइक बेचनी है, मुझे अपना घर बेचना है, तो मैं ऑफर दे सकता हूँ कि भाई मैं अपनी कार आपको 5 लाख रुपये में बेचना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक्ट करना चाहता हूँ कि भाई मैं आपको कार दूंगा, आप मुझे पैसे दे देना। लेकिन मेन पॉइंट, क्या कभी ऐसा भी ऑफर दिया जा सकता है जहाँ पे मैं ये कहूँगा कि आप ये काम ना करो? मैंने पहले कोचिंग सेंटर वाला एग्जांपल लिया था, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल बेटा, मेरी कार से किसी की बाइक का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, किसी की बाइक का एक्सीडेंट हो गया। अब बाइक वाला कह रहा है कि भाई मैं तो कोर्ट में जाऊंगा, मुझे नहीं पता मेरी बाइक को नुकसान पहुंचा है, मुझे नहीं पता, मैं तो कोर्ट में जाऊंगा, मैं तो केस करूंगा तेरे पे। मैं उसे यहाँ पे एक ऑफर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे उसे ऑफर दे रहा हूँ कि यार भाई तुझे तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना, तू ऐसा कर, तू कोर्ट ना जा, तेरी जो बाइक को नुकसान हुआ 2-4-5 हज़ार पे, मेरे से वो ले ले और कोर्ट ना जा, तू ये एक्ट ना कर। क्या ऐसा ऑफर भी दिया जा सकता है? आप बताओ, क्या ऐसा ऑफर भी दिया जा सकता है? यहाँ पे ऑफर में मैं उसे रोक रहा हूँ, मैं उससे इस चीज़ की एक्सेप्टेंस लेना चाहता हूँ कि भाई तू ये काम नहीं करेगा। यस भैया ऐसा कर सकते हैं, हाँ जी। तो दिस वन इज़ द एग्जांपल ऑफ अब्सटेनमेंट, रोकने वाली बात कि हम कब ऑफर इस चीज़ का भी दे सकते हैं कि भाई तुम ये काम ना करो, ठीक है।
और हमारे इंस्टीट्यूट की बुक में भी यही एग्जांपल दे रखा है। तो अब मीनिंग कर लिया, अब देखते हैं कितने टाइप्स का होता है, क्या रूल्स हैं और कैसे ऑफर लैप्स होता है। पहले कितने टाइप का होता है, आराम से भाई ऑफर कितने टाइप्स का होता है समझो, ऑफर कितने, हमें ये सब पढ़ना है, कौन ऑफर देगा, कब, कैसे, क्यों, ये सारी बातें पढ़नी है ऑफर में। पहले ऑफर कैसे दिया जा सकता है, आराम से, एक ऑफर होता है एक्सप्रेस, एक होता है इम्प्लाइड। कैसे दिया जाएगा, एक्सप्रेस मतलब बोल के या लिख के, यार मैं इस समय आपको ये कह रहा हूँ कि भाई मैं अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ, मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, तो ये कौन सा ऑफर हो गया, स्पोकन, बोल के किया गया। और रिटर्न का मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़पेपर में लिखवा दूँ या आपको रिटर्न मेल भेज दूँ कि भाई मैं आपको अपनी कार या अपनी बाइक या व्हाट्सएप पे कह दूँ मैं अपनी कार या बाइक बेचना चाहता हूँ, तो वो रिटर्न वर्ड्स में ऑफर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बड़ा इजी है। मेन है इम्प्लाइड ऑफर, मतलब एक ऐसा ऑफर ना जहाँ मैं बोलूँगा ना मैं लिखूँगा, लेकिन मैं कुछ ऐसा एक्ट करूँगा जिससे आप समझ जाओगे मैंने ऑफर किया। भैया ऐसे कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, कितनी बार आप जब ट्रैफिक लाइट्स पे जाते हो, रेड लाइट हो जाती है, तो रेड लाइट पे आप कार में बैठे हो तो कितने लोग आ जाते हैं कार की शीशा साफ़ करने, कार का शीशा साफ़ करने शुरू कर देते हैं, आगे का पीछे का, हुआ आपके साथ कभी ऐसा, हुआ ही होगा, कभी ना कभी देखा ही होगा। मैं ये कह रहा हूँ जब वो कार का शीशा साफ़ करने आए, वो कुछ नहीं बोले, ना कुछ उन्होंने लिखा, और उन्होंने आपकी कार को शीशा को 2-3-4 मिनट साफ भी कर दिया, तो क्या मैं ये मानूं कि आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसने 5 मिनट आपकी कार के शीशे को साफ किया, क्या अब आपको उसे पैसे देने पड़ेंगे, क्या मैं उसके कंडक्ट से ये अंडरस्टूड कर लूं कि भाई वो मुझे ऑफर दे रहा था जब वो क्या करना शुरू करता था, कार का शीशा साफ करना शुरू करता था। अगर मुझे रोकना था तो मुझे रोकना चाहिए था ना, मैं कार का शीशा अपना नीचे करता और कहता भाई कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने नहीं रोका तो इसका मतलब उसने मुझे ऑफर दे दिया, इसका मतलब मुझे उसने क्या दे दिया, ऑफर, दिस इज अंडरस्टूड बाय कंडक्ट। हमने उसकी जो उसने कंडक्ट किया, जो उसने एक्टिविटी करी, उससे समझ में आ गया कि भाई उसने हमें ऑफर दिया है। तो ऑफर बोल के और लिख के तो दिया भी जाता है, लेकिन इंडिया में कितनी बार ऐसी एक्टिविटी होती है कि खुद ही समझना पड़ता है भाई ऑफर दे दिया, कि अगर वो साफ कर रहा है मतलब वो ऑफर दे रहा है। या दूसरा एग्जाम्पल, कुली वाला वो आपका बैग उठा रहा है और बैग उठा के चलता बना, तो मैं ये मान लूँ कि उसने ऑफर दे दिया आपको, ना वो बोलेगा ना वो लिखेगा, उसने सीधा ही आपका बैग उठा लिया, जी चलो सरकार अंजी चलते हैं वहाँ, मतलब बोला नहीं कुछ, बस बैग उठा लिया, तो हम समझ लें कि उसने ऑफर दे दिया या नहीं। हाँ भैया, हम समझ लेंगे कि उसने हमें क्या दे दिया, ऑफर दे दिया। दिस इज अंडरस्टूड बाय कंडक्ट, दिस इज अंडरस्टूड बाय कंडक्ट, जो वो काम करता है। तो ये तो ईजी है। नेक्स्ट, ये है ऑफर कैसे बनते हैं, ऑफर किसे दिए जा रहे हैं, जर्नल या स्पेशल ऑफर। मैं आपसे खुद पूछूंगा, आप बताना कि कौन सा जर्नल है कौन सा स्पेशल है, केस वन केस टू। एक ऑफर तो यह है भाई, मैंने न्यूज़पेपर में ऐड निकलवा दिया, कि भाई मैं अपनी बाइक सेल करना चाहता हूँ, जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है मेरे, मुझे लाके 30,000 रुपये दे और बाइक ले जाए, मैंने ये न्यूज़पेपर में ऐड निकलवा दी। और एक ऑफर ये है, मैंने ए बंदे ने खाली बी बंदे को फ़ोन करके कहा कि भाई मैं तो ये बाइक बेचना चाहता हूँ, तू 30,000 रुपये दे दियो। तो इन में से कौन सा जनरल ऑफर लग रहा है, ए या केस वन या केस टू, विच वन इज जनरल, केस वन या केस टू। भैया केस वन इज जनरल, केस वन कौन सा है, केस वन जनरल ऑफर है, जहाँ पे हम ऑफर किसको दे रहे हैं, पब्लिक एट ए लार्ज। ऑफर टू जनरल पब्लिक इज ए जनरल ऑफर, और जब आप स्पेसिफिक पर्सन को देते हो तो उसे स्पेसिफिक ऑफर कहते हैं, कि भाई बी बंदे को ही कह रहा हूँ मैं बेचने को, बस स्पेसिफिक मतलब एक बंदे को, ये देखो लिखा हुआ है आराम से, क्यों नहीं घबराते। जनरल मतलब हमने एक एडवर्टीजमेंट निकलवाई न्यूज़पेपर में, जहाँ पे हमने पब्लिक को कह दिया जिसका मन करे आ जाओ, या हमने एक रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया कि अगर आप मिसिंग पर्सन को ट्रेस करके ले आओगे तो हम आपको रिवॉर्ड देंगे। इस पे तो एक केस स्टडी भी, आराम से समझाता हूँ, इस पे एक केस स्टडी भी, मैं आप मज़ेदार चीज़ें होती हैं लो में, इस पे सीधा इसीलिए मैंने बेटा ये यहाँ आपको दिखाता भी रहूँगा कि जो चीज़ें हमें देखनी है। मैं अभी टाइप्स ऑफ ऑफर वाला टॉपिक करा रहा हूँ आपको, है ना,
जनरल ऑफर की बातें बता रहा हूँ और उस पर केस लो बता रहा हूँ, बात को ध्यान से समझना। और मैं केस लो बता रहा हूँ, लाल मैन शुक्ला वर्सेस गोरेदर, क्या हुआ था इस केस लो में, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ और फिर आप बताना क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। बेटा एक गोरेदत्त है, ध्यान से सुनना, और एक उसका सर्वेंट लाल मैन है। गोरेदत्त ने क्या करा भाई, जो गोरेदत्त का एक नेफ्यू था वो मिस हो गया, खो गया भाई उसका नेफ्यू, छोटा सा बच्चा है, खो गया। तो जो गोरेदत्त है, सुनना, गोरेदत्त ने अपने सर्वेंट को भेजा, गोरेदत्त ने अपने सर्वेंट शुक्ला जी को भेजा, लाल मैन शुक्ला जी को, कि जा भाई देख क्या मेरा लड़का कहाँ गया, मेरा नेफ्यू कहाँ गया, मेरा नेफ्यू नहीं मिलता। वो इतने में चला गया ढूंढने, कौन ढूंढने चला गया, शुक्ला जी नेफ्यू को ढूंढने चले गए, बच्चे को ढूंढने चले गए। 2-3 घंटे हो गए शुक्ला जी आए नहीं, तो गोरेदत्त जी हैरान हो गए, गोरेदत्त जी टेंशन में आ गए। गोरेदत्त जी ने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकलवा दी कि भाई जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा हम उसे रिवॉर्ड देंगे, हम उसे पैसा देंगे। ये गोरेदत्त ने ऑफर निकाल दिया, शुक्ला जी को नहीं पता, शुक्ला जी ढूंढ रहे। शुक्ला जी ने मीन वाइल ढूंढ लिया नेफ्यू को और ढूंढ के गोरेदत्त जी को लाके दे दिया। अब मुझे ये बताओ, शुक्ला जी को ये नहीं पता था इस पे रिवॉर्ड है, शुक्ला जी को बाद में पता चला यार इस पे तो रिवॉर्ड था, और शुक्ला जी गोरेदत्त जी से पैसे मांग रहे हैं, भाई मैं आपके नेफ्यू को ढूंढ के लाया हूँ, आपने जर्नल ऑफर निकाला था कि आपने तो न्यूज़पेपर में निकाला था, इसके बदले जो भी लाएगा मैं उसे पैसे दूंगा, तो आप मुझे पैसे दो। तो क्या गोरेदत्त जी को शुक्ला जी को पैसे देने हैं, हाँ और ना, बस आपको तो ये बताना है, क्या गोरेदत्त जी को शुक्ला जी को आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, आपकी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पैसे देने चाहिए या नहीं। स्पर्श कह रहा है भैया देने चाहिए, वशु कह रही है, सॉरी वशु नहीं, हनिका, रिया, यश, हाँ हाँ हाँ, विशाखा, हाँ, इसी तो लोग कहते हैं, 5 बच्चे हाँ कह रहे हो और एक ही बच्चा मना कर रहा हो, जो बच्चा मना कर रहा है वो सही है, क्या हैरानी की बात है। बेटा ये लोग कोर्ट की जजमेंट है, कह रहे जब उन्हें पता ही नहीं था ऑफर, तो बेटा पैसे तो वो तब डिमांड करें ना जब उसे पता हो कि हाँ भाई इस लड़के को ढूंढने पे क्या था, रिवॉर्ड था, उसे तो पता ही नहीं था इसको ढूंढने पे रिवॉर्ड है। बेटा ये लोग की कोर्ट की जजमेंट है, कोई भी चीज़ केस लो पता कैसे बनते हैं, मैं आपको बता दूँ, केस लो कोई भी चीज़ तब बनती है जब उसके ऊपर कोर्ट में केस हुआ हुआ होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। भैया बाद में तो पता चल गया, बाद में पता चलता रहे कोर्ट ने कहा, उस समय तो नहीं पता था ना। बेटा मेरी जजमेंट नहीं है, कोर्ट की जजमेंट है, जो हमारे भाई जज साहब है, जज साहब ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया और जज साहब ने कहा कि भाई शुक्ला जी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, इसे ही केस लो कहते हैं। केस लो में 2-3 बातें और बता दूँ, बेटा जो केस करता है उसका नाम पहले रखा जाता है, देखो क्या लिखा गया, लाल मैन शुक्ला, मतलब इसने केस फाइल किया होगा, यह है पिटिशनर, जो पिटीशन फाइल करेगा, जिसके अगेंस्ट केस फाइल होता है वो रिस्पोंडेंट होता है, उसके वर्सेस लिखा जाता है। आज के बाद जब भी कोई चीज़ लिखी हो ना तो समझ लेना फर्स्ट नेम मतलब जो केस फाइल करता है, वर्सेस मतलब जिसके अगेंस्ट केस फाइल करा जा रहा है, क्या बात क्लियर है। जो केस फाइल करते हैं उसे पिटिशनर कहते हैं, मैंने पिटीशन डाली कोर्ट में, जिसके अगेंस्ट फाइल किया उसे रिस्पोंडेंट, भाई भाई तुम्हें इसे रिस्पोंड करना पड़ेगा। और यहाँ पे गोरेदत्त जी केस जीत गए, अब सही जीते गलत जीते ये आप मुझे पता है नहीं मानने को रेडी, लेकिन कोर्ट कह रहा है कि भाई गोरेदत्त जी को कोई पैसे नहीं देने, क्योंकि गोरेदत्त जी ने इन्फॉर्मेशन जब निकाली थी शुक्ला जी को नहीं पता था, शुक्ला जी तो वैसे ही ढूंढने गए थे और ढूंढ के ले आए। बेटा कोर्ट जो लोग की दुनिया वो अपनी अलग दुनिया है, ये नहीं कि बस आपने जो मन करा मान लिया। देखो देखो गोरेदत्त जी ने, मैं एक बार रीड करा दूँ, अपने सर्वेंट को भेजा अपने नेफ्यू को ढूंढने के लिए, उसके बाद उन्होंने क्या करा, एक अनाउंसमेंट करी कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लेके आएगा उसे हम क्या देंगे, रिवॉर्ड। जो लाल मैन है उसने बॉय को ट्रेस करा इन इग्नोरेंस ऑफ हिज अनाउंसमेंट, सब्सिक्वेंटली जब उसे पता चला कि भाई इसे तो रिवॉर्ड मिलना था, उसने क्लेम करा, लेकिन वो उसे क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि उसे ऑफर के बारे में ही नहीं पता था। सिंपल सी बात है, ये किसका जजमेंट है, ये जजमेंट है लाल मैन शुक्ला वर्सेस गोरेदत्त केस की। तो पेपर में अगर जनरल ऑफर के बारे में आपको लिखना हो, जनरल ऑफर अगर एक्सप्लेन करने को आए, तो आप उसके साथ ये केस लो यूज़ कर सकते हो, लेकिन तभी यूज़ करना केस लो के नाम,
जब आपको पता हो कि यार किस जगह ये केस लॉ यूज़ हुआ था, अदरवाइज यूज़ ना करना। ओके भैया, बात समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट वन स्पेशल ऑफर। भैया स्पेशल ऑफर किसे कहते हैं यार? इतनी बार जब एक बंदा स्पेसिफिक किसी पर्सन को ऑफर दे रहा है, ए बी को ऑफर दे रहा है कि भाई मैं तुझे अपनी कार इस प्राइस पे दे दूंगा, एमएस धोनी ने वीरेंद्र सहवाग को ऑफर दिया और शाहरुख खान ने सलमान खान को ऑफर दिया, शाहरुख खान ने कैटरीना कैफ को ऑफर दिया, तो वो स्पेशल ऑफर है। दैट वन इज स्पेशल ऑफर। जब एक बंदा दूसरे बंदे को ही खाली एक पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर दे रहा है तो उसे स्पेशल ऑफर कहते हैं। ठीक है भैया, ये दो एक साथ समझाऊंगा, क्रॉस ऑफर एंड काउंटर ऑफर क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस ऑफर एंड काउंटर? समझो बेटा, ये एक ए है, ये बी है। ए अपनी बाइक बेचना चाहता था, ए कह रहा है यार मेरी बाइक ले ले और बदले में 10,000 पे दे दियो। ए ये ऑफर देना चाहता था, उधर से बी भी सेम ऑफर देना चाहता था। बी भी ये कह रहा है यार तू मेरे से 10,000 पे ले ले और मुझे बाइक दे दे। जब दो पार्टी एक दूसरे को बिल्कुल सेम चीज़ सेम टाइम पे ऑफर कर दें उसे क्रॉस ऑफर कहते हैं। दोनों आइडेंटिकल ऑफर दे रहे हैं सेम टाइम पे सेम चीज़ के इन इग्नोरेंस। टू आइडेंटिकल ऑफर मेड टू ईच अदर एट द सेम टाइम इन इग्नोरेंस। जो मैंने आपको पूरा एग्जांपल बताया कि ए बी को अपनी बाइक बेचना चाहता है 10,000 में, बी उसकी बाइक 10,000 पे खरीदना चाहता है, दोनों ने सेम टाइम पे सेम चीज ऑफर करी इन इग्नोरेंस, दैट इज क्रॉस ऑफर। जनरल अलग था, स्पेशल अलग है, क्रॉस अलग है। उसके बाद काउंटर एंड स्टैंडिंग। काउंटर ऑफर किसे कहते हैं? इसे एग्जांपल में चेंज करेंगे। ए अपनी बाइक बेचना चाहता था बी को, उसने कहा यार मैं तुझे बाइक बेचूंगा, तू मुझे इसके बदले 50,000 पे दे दियो। बी ने क्या कहा? भाई मैं बाइक खरीद तो लूँगा लेकिन 50,000 की नहीं, मैं 40,000 की दूंगा। तो ए ने पहले ऑफर दिया, बी ने उस ऑफर को तो रिजेक्ट कर दिया, उसने फिर नया ऑफर दे दिया कि भाई 40,000 में एक्सेप्ट कर रहा है क्या तू? तू बोल 40,000 में ले दे रहा है क्या भाई? तो उसे कहते हैं काउंटर ऑफर। ए ने ऑफर करा कि भाई वो अपना प्लाट बी को 10,00,000 में बेचना चाहता है, लेकिन बी ने कहा खरीदूंगा 8,00,000 में। तो बी ने यहाँ पे काउंटर ऑफर दिया, बी ने यहाँ पे ए के ऑफर को कैंसिल करके काउंटर ऑफर दिया। अब बी कह रहा तू बोल तूने लेना है क्या, मैं तो खरीद लूंगा, तू बोल तू इतने पैसे ले रहा है क्या? बेटा क्या अभी तक बातें सारी क्लियर है? जनरल, स्पेशल, काउंटर, क्रॉस ऑफर, क्या बात समझ में आई? एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, इन सारे ऑफर में बात समझ में आती है, क्योंकि एक लास्ट ऑफर रह गया वो बिल्कुल अलग है। लास्ट ऑफर इज स्टैंडिंग ऑफर यार, ये बिल्कुल अलग है, ध्यान से सुनना और समझना बेटा। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे अमूल बहुत बड़ी कंपनी है, अमूल बहुत बड़ी कंपनी है, हल्दीराम बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसी पता नहीं बीकानेर वाले मैगडी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। अब बेटा हल्दीराम को समझना, हल्दीराम हुआ, अमूल हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल अमूल कंपनी है, अमूल कंपनी को, अमूल कंपनी आइसक्रीम बनाती है, आइसक्रीम के लिए उसे रॉ मटेरियल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल क्या चाहिए होता है? मिल्क। और मिल्क के प्राइस हमें पता है चेंज होते रहते हैं। यह हल्दीराम है, हल्दीराम को आलू भुजिया बनानी है और उसके लिए आलू चाहिए, आलू, और आलू के प्राइस कॉन्टीन्यूसली चेंज होते रहते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी 10 रुपये आलू मिलते हैं, कभी 20, कभी 25। और प्याज का तो कोई दिन ईमानी नहीं है, कभी 10 रुपये होता है, कभी 100 रुपये हो जाता है, जो मन करे वो हो जाता है। और बेटा ये तो कंपनी डेली लेती है, वो भी बहुत बल्क क्वांटिटी में, पता नहीं कितनी क्वांटल में लेती होंगी भाई, 100 क्वांटल, 200 क्वांटल, इतनी डिमांड है इनकी। तो बेटा इनके तो अगर प्राइस में थोड़ा भी चेंज आए तो इनकी तो कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी कि भाई आज आलू कितने का और कल कितने का मिलेगा, गड़बड़ हो जाएगी। या एक और एग्जाम्पल, DLF है, फ्लैट बनाता है, DLF फ्लैट बनाता है, और जो रोडी, रेता, सीमेंट लेते हैं उसके प्राइस भी चेंज होते रहते हैं। और बेटा अगर इसके प्राइस चेंज होगी तो इनकी कॉस्टिंग चेंज हो जाएगी। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये रॉ मटेरियल के लिए हमेशा एक स्टैंडिंग ऑफर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? स्टैंडिंग ऑफर, कि भाई मुझे DLF कह रहे हैं मुझे भाई डेली अपनी साइट पर 1,000 सीमेंट के बैग चाहिए, रेट जो भी हो, मार्केट में सीमेंट का बैग एक 400 रुपये का हो चाहे 200 का हो, तो मुझे 300 रुपये का देगा डेली एक बैग। क्या वो ऐसे ऑफर निकालते होंगे या नहीं? ऐसे ही अमूल, हल्दीराम भी ऐसे ऑफर निकालता होगा,
भाई मिल्क के प्राइस जो भी हो, तू मुझे अगले एक साल तक इस रेट पे इसकी डिलीवरी करेगा, तू मुझे अगले साल इस रेट पे पूरे साल इसकी डिलीवरी करेगा, जो मर्जी होता रहे। तो ऐसे ऑफ़र को स्टैंडिंग ऑफ़र कहते हैं, जो हमने ऑफ़र दिया और वो एक लंबे समय के लिए कंटिन्यू रहेगा, वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए क्या रहेगा, स्टैंड करेगा, जिसे कहते हैं टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। जब हम कोई सप्लाई ऑफ गुड्स का ऑफर दे रहे हैं, जो मैंने आपको तीन चार एग्जांपल दिए, दैट वन इज स्टैंडिंग ऑफर। तो बेटा ये मैंने अभी आपको अलग अलग ऑफर्स बता दिए हैं, बेटा प्लीज़ एक बार इसे नोट डाउन कर लो या अगला टॉपिक समझा दो, असेंशियल्स ऑफ ऑफर। असेंशियल्स का मतलब रूल्स क्या हैं ऑफर के, अभी तो टाइप्स हुए, फिर असेंशियल्स ऑफर के क्या क्या रूल्स होते हैं और ऑफर कैसे लैप्स होता है। और बेटा ये एग्जांपल से सारी चीज़ें समझ में आती हैं। पहले मुझे ये बताओ, क्या पहले इसे लिखना है या असेंशियल बता दो? चलो तुम लिख लो, दो मिनट का टाइम दे देता हूँ, इसे लिखो जल्दी से। टाइप्स ऑफ ऑफर हेडिंग डालना, एक्सप्रेस इम्प्लाइड लिखना, और मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर दूँ, मेन तो यहाँ से लिखना है। ठीक है बेटा, जल्दी से लिखो इसे। तो बेटा अभी मैंने टाइप्स ऑफ ऑफर कंप्लीट करा दिया, पहले ऑफर का मीनिंग, अब रूल्स। एक ऑफर आपका वैलिड ऑफर भी है या नहीं, उसके लिए भी रूल्स हैं भैया। क्या क्या रूल्स हैं, आराम से, कितने तो बहुत आसान है, कितने पे डिस्कशन होगा। ऑफर मस्ट बी मेड विद ए व्यू टू ऑब्टेन एक्सेप्टेंस, ये तो सिंपल सी बात है, मीनिंग में ही था। ऑफर हम इसीलिए देते हैं जिससे कि सामने वाला उसकी एक्सेप्टेंस दे। भाई अगर मैं किसी को ऑफर दे रहा हूँ, मैं अपना घर बाइक कार बेचना चाहता हूँ, वो इसीलिए तो कि सामने वाले की उसकी एक्सेप्टेंस मिले, या जो इतने बिजनेसमैन बिजनेस कर रहे हैं, अपनी शॉप खोल के बैठे हैं, वो इसीलिए तो खोल के बैठे हैं कि सामने वाले वहाँ पे आके क्या खरीदे, गुड्स खरीदे। तो बेटा हर एक ऑफर इसलिए दिया जाता है कि सामने वाले की एक्सेप्टेंस मिले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वाली बात बता देता हूँ, ऑफर इस ऑब्जेक्टिव से देना चाहिए जिससे कि मेरी क्या इंटेंशन है, मेरी इंटेंशन है टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मैं एग्जांपल देता हूँ, पहले भी दे रखा है, भाई कटरीना कैफ ने कटरीना कैफ क्यों कहेगी, सलमान खान कहेगा, सलमान खान ने कटरीना कैफ को ऑफ़र दिया, चाय का ऑफ़र, चलो हम कल चाय पे मिलते हैं, चाय का टाइम रखा गया 5 बजे, या कॉफ़ी का टाइम रखा गया 5 बजे। कटरीना कैफ ने कहा हाँ मिलेंगे, 5 बजे मिलेंगे, क्या बात होगी। बेचारा सलमान खान 5 बजे से वेट करता रहा सुबह 5 बजे तक, अगले दिन 5 बजे तक, और कटरीना कैफ उसकी चाय पीने के लिए नहीं आई। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या यहाँ पे सलमान खान कटरीना कैफ के अगेंस्ट केस कर सकते हैं? क्या मतलब, क्या यहाँ पे सलमान खान की कटरीना कैफ के साथ जब उसने ऑफ़र दिया था, क्या लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का ऑब्जेक्टिव था उसका? जब ये सोशल ऑफ़र होते हैं, ये चाय का ऑफ़र हो गया, या मैं एग्जांपल चेंज कर देता हूँ, भाई आपको कितनी बार इन्विटेशंस आते हैं, किस चीज़ के इन्विटेशंस आते हैं, सोशल गैदरिंग के, कि भाई आपको शादी पे आना है, आपको घर की इनोग्रेशन पे आना है, आपको दुकान की इनोग्रेशन पे आना है, और आप उन्हें हाँ कहते हो कि हम आएंगे, आप उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हो कि हम मिलेंगे, शादी पे मिलेंगे, लेकिन आप शादी पे नहीं जाते, तो क्या वो आपके अगेंस्ट केस कर सकते हैं क्या? जब उन्होंने ऑफ़र दिया, क्या उनका कोई इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का था, लॉफुल रिलेशनशिप बनाने का था, कि अगर आपने ऑफ़र एक्सेप्ट करने के बाद ऑफ़र को फॉलो नहीं करा तो वो आपके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं? नहीं। ये जो सोशल ऑफ़र होते हैं इनमें कोई भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ये सिंपल या डे टू डे क्या है, ये तो सोशल गैदरिंग के बातें हैं, इन पर कोई भी ऑफ़र वाली चीज़ें नहीं लगती, ये लीगल ऑफ़र नहीं होते। मैं आपको बता दूँ कि आप इन ऑफ़र को एक्सेप्ट करके कोई केस नहीं कर सकते। या हस्बैंड और वाइफ में कोई बात हुई, मैंने पहले ही बताया था, हस्बैंड ने कह दिया जोश जोश में कि भाई मैं तुझे हर महीने 1,00,000 रुपये दूंगा, और वो उसे अगर उसे 1,00,000 रुपये नहीं दे पा रहा तो वाइफ क्या केस कर देगी? नहीं कर सकती। लेकिन भैया फिर कहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होती है? जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे ए है बी है, ए ने बी को कहा
कि भाई मैं तुझे क्या करूँगा, 100 मोबाइल फ़ोन की डिलीवरी दूंगा एक महीने बाद 100 मोबाइल फ़ोन की डिलीवरी दूंगा। और बी ने एक्सेप्ट करा, ठीक है हाँ मैं डिलीवरी दूंगा और मैं पेमेंट दूंगा। अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जब ये ऑफर दिया जा रहा है, यहाँ पे किस चीज़ की इंटेंशन है, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। अगर इस ऑफर को कल को रिजेक्ट कर दिया गया, वो कल को या तो मोबाइल फ़ोन डिलीवरी नहीं देता या पैसे नहीं देता, तब आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन हो सकता है। हर एक ऑफर में क्या जरूर होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। वो कब होता है, जब ऑफर किस नेचर का हो, कमर्शियल बिजनेस नेचर का हो, किस नेचर का हो, कमर्शियल नेचर का हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहे, जब आप कोई भी ऑफर देते हो वो डेफिनेट अनअम्बिगियस और सर्टन होना चाहिए, मतलब उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ऑफर दिया कि मैं आपको कोचिंग दे दूंगा, मैं आपको कोचिंग क्लास पढ़ा दूंगा, इको बीसी के लो में सब पढ़ा दूंगा आपको। और आपने कहा सर फीस क्या होगी, मैंने कहा कुछ नहीं होता, देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं। क्या ये एक ऑफर वैलिड ऑफर है, क्या ये ऑफर वैलिड ऑफर है, देख लेंगे। आप कितनी बार जब शॉपकीपर्स के पास जाते हो, रिलेटिव शॉपकीपर्स के पास, वो क्या कहते हैं, आप ले जाओ देख लेंगे जो भी होगा प्राइस का। क्या देख लेंगे कोई वैल्यू है, क्या वो सर्टेन चीज़ है, वो सर्टेन नहीं है। दूसरा एग्जांपल ए है बी है, बी गया एक ही शॉप पे, बी ने कहा भाई मुझे बिस्कुट दे दो। उसने कहा ठीक है मैं बिस्कुट दे देता हूँ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब इसने कहा मुझे बिस्कुट दे दो, क्या ये वैलिड ऑफर है, खाली मुझे बिस्कुट दे दो, ये एक वैलिड ऑफर नहीं है। क्यों भाई, आपको बताना पड़ेगा कौन से बिस्कुट चाहिए, आटे वाले बिस्कुट चाहिए, क्रीम वाले बिस्कुट चाहिए, कौन सी कंपनी के बिस्कुट चाहिए, 100 तरह के बिस्कुट आ रहे हैं आज के दिन। तो बेटा जब भी कोई ऑफर दो, उसे बिल्कुल डिफाइन करके देना होता है, बिल्कुल सर्टन, जहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगर कन्फ्यूज़न वर्ड रहेगा तो वो ऑफर वैलिड ऑफर नहीं है। ऑफर हमेशा किसे कम्युनिकेट किया जाएगा, ऑफरी को, ये तो कोई बात है ही नहीं बेटा। जैसे एक पार्टी ए है एक बी है, जो ऑफर देता है उसे ऑफरर कहते हैं, और जिसे ऑफर दिया जाता है उसे ऑफरी कहते हैं। तो बेटा आप हमेशा ऑफरी को अपना ऑफर कम्युनिकेट करोगे, तभी वो ऑफर ऑफर बनेगा, अदरवाइज वो ऑफर बनेगा ही नहीं। मन ही मन में कह रहे हो मैं तुझे बाइक बेचना चाहता हूँ, मैं तुझे कार बेचना चाहता हूँ, वो ऑफर नहीं है, बोलना पड़ेगा। मीनिंग में ही था, ऑफर के मीनिंग में क्या था, वेन वन पर्सन सिग्निफाइज का मतलब जब वो इंटरेस्ट शो कर रहा है, उसके लिए बोलना पड़ता है। मन मन में बोल के कुछ नहीं होगा, क्लियरली आपको उसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि भाई मैं तुझे ये चीज़ बेचना चाहता हूँ। ये तो पहले ही हो गया। ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, पहले कर ली बात है। ये वाली बात बहुत अच्छी है, ऑफर में कोई ऐसा कोई वर्ड नहीं होना चाहिए कि अगर आप उसे कंप्लाई नहीं करोगे तो वो एक्सेप्ट हुआ वह मान लिया जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, भाई ए ने बी को एक ऑफर भेजा रिटर्न फॉर्म में लेटर के थ्रू, और उसने कहा भाई मैं तुझे अपनी शॉप बेचना चाहता हूँ 50 लाख रुपए में, और अगर तूने दो दिन में रिप्लाई नहीं करा तो मैं ये ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लूँगा कि दुकान बिक गई। क्या ऐसी कंडीशन लिखी जा सकती है, मैंने एक लेटर भेज दिया और कह दिया कि भाई जिस दिन तू लेटर ही रीड करेगा और तू मुझे 2 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं करता कि तू इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट, अगर तूने कुछ नहीं बताया तो मैं मान लूँगा कि भाई तू इस दुकान को खरीद रहा है। क्या ऐसी बातें लिख सकते हैं हम किसी ऑफर में कि अगर आपने इस चीज़ को कंप्लाई नहीं करा, 2 दिन में कंप्लाई नहीं करा, मतलब एक्सेप्टेंस हो गई है अपने आप ही। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑफर शुड नॉट कंटेन ए नॉन कंप्लायंस टर्म्स, उसमें ऐसे कोई नॉन कंप्लायंस टर्म्स नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से ऑफर एक्सेप्ट हुआ माना जाए, ऐसी बातें लिख नहीं सकते। नेक्स्ट वन तो बहुत ही अच्छा है, नेक्स्ट वन तो दो ही अच्छा, बहुत ही अच्छा है। दो दोस्त हैं और भी,
वो आपस में बात करते हैं। क्या बात करते हैं? यार मैं सोच रहा हूँ मैं अपने लड़के की शादी सोच रहा हूँ मैं तेरी लड़की से करता हूँ, मैं अपने लड़के की शादी तेरी लड़की से करता हूँ। ए बी से बात कर रहे हैं, दोनों दोस्त हैं। जब ए ने बी से ये बात करी, क्या उसने ऑफ़र दे दिया? क्या लगता है, क्या उसने ऑफ़र दे दिया? ये खाली एक स्टेटमेंट थी, बातों ही बातों में बात हो रही थी। ए अभी बी से बात कर रहा है, यार मैं सोच रहा हूँ अभी मेरी लड़की की शादी करनी है तो तेरी लड़की से कर दूँ क्या मैं? क्या ये ऑफ़र दे दिया गया? ये खाली एक बात हो रही है, ये खाली एक स्टेटमेंट है। ऑफ़र तो उसे दिया जाता है, वो कहता है यार मैं अपने लड़के की शादी करना चाहता हूँ तेरी लड़की से, अब बता तू रेडी है या नहीं, उसे ऑफ़र कहते हैं। खाली एक स्टेटमेंट ऑफ़र नहीं है कि आप उससे बात ही हो रही थी, यार मैं सोच रहा हूँ उससे शादी कर लूँ। आप दोस्तों में भी हो, क्या पता बेटा 18-20 साल में आप बातें करते रहते हो, आप ही बातें कर रहे हो कि यार मैं सोच रहा हूँ आज से 2-4-5 साल बाद ना उससे ही शादी करूँगा, आपस में दोस्तों में बात हो रही है। तो ये कोई आपने उसे ऑफ़र दे दिया? ऑफ़र मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ए मियर स्टेटमेंट और इंटेंशन। अगर कोई स्टेटमेंट बोली जा रही है, कोई इंटेंशन है, तो वो ऑफ़र नहीं है, मैं पहले ही बता दूँ आपको। ऑफ़र के लिए क्लियरली यही एग्जांपल हमारी बुक में दे रखा है, आपको उसे प्रपोज करना पड़ेगा, विल यू मैरी मी, तब कहेंगे कि ऑफ़र दिया, ठीक है। ये लिखा हुआ है हमारी इंस्टीट्यूट भी बहुत तेज़ हो रहा है, इंस्टीट्यूट ने लिखा है यही एग्जांपल। अगर आप चाहो तो मैं रीड करा दूँ कि ऑफ़र एक, बाकी सारी स्टेटमेंट तो मैंने बता दी, ऑफ़र एक अटेंशन से बिल्कुल अलग होना चाहिए। खाली अगर आप एक स्टेटमेंट बोल रहे हो दैट इज़ नॉट ए ऑफ़र, आप रीड कर लेना। लास्ट पॉइंट बता देते हैं, और लास्ट पॉइंट, ऑफ़र मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफ़र। मैं आपको बता दूँ बेटा, जो ये एडवर्टीजमेंट और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं ना, ये ऑफ़र नहीं होते, ये इनविटेशन टू ऑफ़र होते हैं। मैं आपको बता दूँ, जैसे एड निकलवाया जाता है कि आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक, मैं अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ, आपको लगेगा ये ऑफ़र है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, ये ऑफ़र नहीं है, ये इनविटेशन टू ऑफ़र है। ये ऑफ़र से पहले एक स्टेटमेंट है, एक इनविटेशन है कि अगर भाई किसी को बाइक ख़रीदनी है, आप मेरे घर आओ और आप मेरे घर आके क्या दो, मुझे ऑफ़र दो कि भाई मैं आपकी बाइक ख़रीद लूँगा और मैं बाइक के 50,000 पे दे दूँगा। तो मेरे ऊपर ऑप्शन है कि मैं 50,000 का ऑफ़र एक्सेप्ट करूँ या रिजेक्ट। क्या बात क्लियर है? अगर जो एडवर्टीजमेंट निकलती है वो कोई ऑफ़र कोई होता है, वो इनविटेशन टू ऑफ़र होता है कि भाई बस मैंने एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं अपनी बाइक घर कुछ भी बेचना चाहता हूँ। अब वो सामने वाले आएंगे और वो अपना ऑफ़र देंगे, वो अपना क्या देंगे, ऑफ़र देंगे। ये कोई कि कोई भी आके बाइक ले जाएगा, वो आके पहले मुझे ऑफ़र देगा, जी आपने ऐड निकलवाई थी, मैं आपकी बाइक 5,000 पे में या 10 या 20 या 50,000 में लेना चाहता हूँ। तो बेटा ऑफ़र हमेशा किससे अलग होता है? इनविटेशन टू ऑफ़र से। इनविटेशन टू ऑफ़र ऑफ़र से पहले दिया जाता है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट। मैंने सबसे अच्छा एग्जांपल दिया कि मैं बाइक बेचना चाहता हूँ और कल को कोई आके अगर ख़रीदना चाहता है तो वो मेरे पे आएगा और वो अपना ऑफ़र देगा कि भाई साहब आपने वो डाला था ऐड, तो हमें आपका घर चाहिए रेंट पे, हमें आपकी बाइक चाहिए, हम आपके रेंट या घर के इतने पैसे दे देंगे। वो सामने वाली पार्टी ऑफ़र देगी, फिर हम उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। आई होप सो बेटा सारी बात क्लियर होगी। बेटा आज के लिए तो इतना ही, अगला टॉपिक तो हो ही नहीं पाएगा लैप्स वाला, इसे बेटा नोट डाउन कर लो और कोई पॉइंट नहीं समझ आया हो तो पूछ लो। दिस आर द रूल्स ऑफ ऑफ़र। बताओ पहले लेक्चर में खाली बस ऑफ़र वर्ड यूज़ करा था, अब ऑफ़र में ही कितनी ज़्यादा चीज़ें डीप में आती हैं कि जब ये सारी बातें फुलफिल होंगी तब एक ऑफ़र वैलिड ऑफ़र है।